तुमने तो हमेशा से तलाक देने वाले मर्दों के खिलाफ जाकर सताई हुई औरतों का साथ दिया है ना, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कुछ तो खा लीजिए, जब तक आप कुछ नहीं खाएंगे हम भी कुछ नहीं खाएंगे। हमसे इतनी नाराजगी क्यों? आप चाहती थी हम इस घर की बहू बन जाए, तो सुन ली अल्लाह ताला ने आपकी, बन गए हम इस घर की बहू। अब इसीलिए ना अम्मी शरिया बोर्ड में कबीर ने हमें तलाक देने से मना कर दिया। छोड़िए अपना गुस्सा और खाना खाइए, थोड़ा सा ही सही। मगर देखो ना अम्मी कुछ नहीं खा रही है, पीली पड़ चुकी, कितनी कमजोर हो चुकी है कि अब क्या करेंगे, तलाक तो होगा नहीं, तो अम्मी का अनशन कैसे तोड़ाएंगे? तुम जानती हो रुखसार, खुला ले लो, हम खाना खा लेंगे। पीर साहब आए हैं, जल्दी चलिए, सबको बुलाया है। हमें चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम आयशा। तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? पीर साहब आप हमारे रहनुमा हैं, आपका फरमान सर आंखों पर आपसे एक दरख्वास्त है। अब जब आप आ ही गए हैं पीर साहब, तो इन बच्चों के मसले को हल करके ही जाइएगा। बैठो और अपना फाका तोड़ो। सर, जारा और कबीर, पहले हम आप लोगों से बातें करना चाहते हैं। जी जरूर। जारा बीबी हमारी बात जरा गौर से सुनिए। इस्लामी कानून के मुताबिक दो बीवियां एक साथ एक ही घर में रह सकती हैं, लिहाजा बेहतर यही होगा कि आप दोनों बहनों की तरह खुशी खुशी इस घर में रहें। अब रह गई हिस्से की बात, तो कबीर की रुखसार से शादी महज एक हादसा थी। वैसे तो बराबर का हिस्सा होता है, लेकिन इस वजह से जायदाद में चौथाई हिस्सा रुखसार तुम्हारा होगा, इस पर सब्र करना होगा तुम्हें, और बाकी सब कुछ जारा का। बोलो बीबी, खुश हो ना? तो पीर साहब हमने हमेशा आपकी बात मानी, आपके कहने पर हमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, कबीर से शादी की। ना सिर्फ कबीर से शादी की बल्कि कबीर को अपने सर का ताज बनाया, बल्कि कबीर के लिए अपना नजरिया भी बदला। और जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए, बेइंतहा खुश थे एक दूसरे के साथ,
तो ये मसला खड़ा हो गया। ना बेबी ना, ये मसला नहीं है। देखो हमारी बात समझने की कोशिश करो। उमूमन कोई भी काम तब होता है जब हम उसे चाहते हैं, और ये जो कुछ हुआ आप तीनों में से कोई नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हुआ। इसका मतलब ये तकदीर भी लिखा हुआ था। अगर तकदीर में लिखा है तो अब खुशी खुशी इसे कबूल करो। माफ कीजिएगा पीर साहब, हम आपकी इस बात से ना इत्तेफाकी रखते हैं। हम अपने शौहर को किसी के साथ बांट नहीं सकते। पैसे रुपए जमीन जायदाद सब कुछ बांटी जा सकती है, लेकिन अपना शौहर नहीं। रुखसार, तुम में और हम में यही फर्क है, तुमने किसी और के शौहर को चाहा, हमने अपने शौहर को अपनी जिंदगी माना। हमारा कबीर हमारा सब कुछ है, हमारी जिंदगी है, हमारी शान है। हमारा कबीर हमारी सांसें है। और पीर साहब, जैसे किसी मरते हुए इंसान को सांसें नहीं दी जा सकती, ठीक उसी तरह हम अपने कबीर को किसी और की झोली में नहीं डाल सकते। जारा जारा बीबी, जिद करके इस मसले को उलझाओ नहीं, इसका हल तलाश करने की कोशिश करो। हल है, रुखसार कबीर को तलाक नहीं दे सकती, कबीर रुखसार को तलाक नहीं दे सकता, तो हम खुला लेंगे। हम तलाक के खिलाफ हैं, हम किसी भी औरत का तलाक नहीं होने देंगे, रुखसार तुम्हारा भी नहीं। लेकिन हम आजाद हैं, हम खुला लेंगे। जीनत भाभी, इस घर में दो नहीं सिर्फ एक खुला होगा, हमारा खुला। कबीर अहमद वल्द शहबाज अहमद, हम तुमसे खुला मांगते हैं, और तुम्हें हमें तलाक देना ही पड़ेगा। सारा, या तो तुम पूरे के पूरे हमारे, या बिल्कुल नहीं। दो बीवियां एक साथ एक ही घर में रह सकती हैं, लिहाजा बेहतर यही होगा कि आप दोनों बहनों की तरह खुशी खुशी इस घर में रहें। या तो तुम पूरे के पूरे हमारे, या बिल्कुल नहीं। कबीर अहमद वल्द शहबाज अहमद, हम तुमसे खुला मांगते हैं, और तुम्हें हमें खुला देना पड़ेगा। हम चाहते हैं खुदा हाफिज।
मुर्शिद, आपने पहले भी एक बार सरपरस्त बनकर बच्चों को माफ किया है, आज फिर कर दीजिए। पीर साहब आप रुकिए तो सही, हम अभी जारा को बुलाते हैं, वो खुद आपसे माफी मांगेगी। क्या उस माफी से वो लम्हे वापस आ जाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से हमें बेइज्जत होते हुए देखा? पीर साहब, हमें माफ कीजिएगा, मगर हमें नहीं लगता कि आपकी बेइज्जती हुई। पीर साहब, आप हमारे मोहतरम, हम सबके लिए आप हमारे रहनुमा हैं। यहां मौजूद हर इंसान के सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि उनके दिल में भी आपके लिए सिर्फ इज्जत है। पीर साहब, आपकी दुआ की वजह से हमारा और जार का सिर्फ निकाह नहीं बल्कि हम दोनों के बीच बेइंतहा मोहब्बत हो गई। उसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से जारा ने आपकी बात नहीं मानी आज। पीर साहब, हमारा यकीन है कि अगर आपकी दुआ की वजह से हम दोनों का रिश्ता बन सकता है तो वही दुआ की वजह से हम दोनों का रिश्ता टूटने से क्यों नहीं बच सकता? बस वो हमारा यकीन है पीर साहब। हमारी दुआ है अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत दुनिया के लिए एक मिसाल बना दे। हमारी दुआ है अल्लाह तुम दोनों का साथ हमेशा बनाए रखे। आमीन आमीन। सुभान। खुश रहो। क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? जब हम कबीर से शादी नहीं करना चाहते थे तो आपने कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि ना चाहते हुए हमें उससे शादी करनी पड़ी। हम नफरत करते थे कबीर से, नफरत, लेकिन अल्लाह आपने धीरे धीरे हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी। और अब जब हम उससे टूट कर मोहब्बत करते हैं तो आपने क्या किया? हमें खुला के रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। अल्लाह, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों? क्या गलती है हमारी? अगर ऐसे ही करना तो कबीर से मोहब्बत ही नहीं करवाते ना। हमें इस मोड़ पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया? आप जानते हैं ना, हम कबीर को कभी किसी के साथ नहीं बांट सकते। पर आप कबीर की जिंदगी में रुखसार को क्यों लेकर आए? हमारे पास खुला के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम अपने कबीर को कभी भी किसी और के साथ बांट नहीं सकते, कभी नहीं। दो पल की
बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना है दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है रोका क्यों नहीं हमें खुला मांगने से रोका क्यों नहीं रोक सकते थे ना क्योंकि तुम रोक सकते थे ना क्यों नहीं रोका हमें माफ कर दो ठीक है एक काम करते अभी जाके सबके सामने कह दो कि वो गलती से हो गया वो गुस्से में आ गया मगर तुम नहीं चाहती हो खुला ना तुम सोच भी कैसे सकती हो खुला के बारे में तुम चाहती हो खुला जारा ठीक है तुम्हें पता ना यहां सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी भी दांव पर लगी खुला चाहती हो हमसे जारा ठीक है एक बार कह दो हमसे एक बार हमसे कहो जारा कि तुम खुला चाहती हो नहीं ना तो फिर सबके सामने जाकर कह दो कि तुम अपना खुला वापस ले रही हो जारा तुम जारा ने जज्बात में आकर कबीर से खुला मांग लिया है हमें तो डर है इस बात का कहीं कबीर फर्ज में बहकर जारा को तलाक ना दे दे खुशियां तो जैसे हमारी जारा के साथ ना आंख में चौली खेलती हैं जैसे जारा थोड़ा सा भी खुश होती है ना गम उसके साथ आके खड़ा हो जाता है कितनी मुश्किलों से ये तलाक खत्म हुई थी हमें तो घबराहट इस बात की हो रही है कि कहीं फिर से जारा और कबीर फिर से उसी तलाक तलाक के मोड़ पे ना आके खड़े हो जाए जहां से इतनी मुश्किलों से बाहर निकले थे जारा जारा सिर्फ एक बार हमारी बात तो सुनो जारा जाने वाले को अल्लाह हाफिज और आने वाले को दिल से खैर मकदम किस्मत का खेल देखा कबीर जो जारा हमें तुमसे दूर करना चाहती थी ना वो आज खुद खुला मांगकर तुमसे दूर जा रही अब क्या करोगे कबीर तुम तो फर्ज की राह पर चलने वाले इंसान हो जारा ने तुमसे खुला मांगा है और उसे तलाक देना तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना
जिंदगी में हमारा फर्ज कभी हमें मत बताना। हमारा फर्ज तब बनता था जब हमने तुम्हारी जान बचाने के बाद तुम्हें फौरन तलाक दे देना चाहिए था और तुम्हारी परचाई ज़ारा तक नहीं पहुंचनी देनी थी।